नमस्कार, मैं आपको मिनिस्ट्री के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दूंगी, जिसका नाम है आरकेवी वाई रफ्तार। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 29 इनक्यूबेटर्स को पैन इंडिया बेसिस पे, जिसमें पर स्टेट पर इंक्यूबेटर के हिसाब से एस्टैब्लिश किया गया है। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिसमें हम एग्रो स्टार्टअप्स को नर्चर करेंगे और मेंटर करेंगे, ताकि वो अपनी जर्नी को एक सक्सेसफुल तरीके से ले जा सकें। और चूंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा स्कोप है, और एग्रीकल्चर के हर एस्पेक्ट पे, जहाँ पर भी आप, चाहे सोइंग से लेकर और पोस्ट हार्वेस्ट तक, कह सकते हैं कि फार्म टू फोर्क तक, हर ऑपरेशन में एफिशिएंसी का एक इशू है। जहाँ पर हम एफिशिएंसी बिल्ड कर सकते हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कर सकते हैं, और जहाँ पर हम उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करके और रिड्यूस के एक बहुत अच्छे दाम फार्मर्स को पहुँचा सकते हैं, इसी कोशिश में हमने इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम स्टार्टअप्स को नर्चर करेंगे, ताकि वो अच्छे अच्छे सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशन और नए तरीके की सोच को इस सेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें, और अपना स्किल सेट को इस सेक्टर के बढ़ोतरी के लिए योगदान दे सकें, ताकि फार्मर को आखिर के अंदर उनके प्रोड्यूस का एक अच्छा दाम मिले, उनकी लागत कम हो, और उनकी आय जो है, जो हमने देखा एक सपना कि 2022 तक दुगनी हो, वो पूरा कर सकें। तो ये प्रोग्राम क्या है? ये बेसिकली इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो 29 इंक्यूबेटर सेटअप किए गए हैं, उसमें दो प्रोग्राम, एक इंक्यूबेशन के ऊपर और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन के ऊपर चलाया जाएगा। अभी उनकी तैयारी चल रही है और शीघ्र ही उनको लॉन्च किया जाएगा हर इंक्यूबेटर के लेवल पे, जिसमें कि वो स्टार्टअप्स को लेंगे, उनको देखेंगे कि ये किस तरीके से इनका आइडिया इनोवेशन है, क्या ये जॉब क्रिएट कर सकता है, क्या ये वेल्थ क्रिएट कर सकता है, और किस तरीके से ये टेक्नोलॉजीज जो सॉल्यूशंस ये दे रहे हैं फार्मर्स को फ़ायदा कर सकते हैं। इस कसौटी पे खरे उतरने वालों को 2 महीने की रिग्रस ट्रेनिंग दी जाएगी इन इंक्यूबेटर सेंटर में, जिसमें उनकी टेक्नोलॉजी और बिजनेस पे बात होगी, और फिर वैलिडेट होगा तब इनको ग्रांट इन एड के लिए मिनिस्ट्री के को रिकमेंड किया जाएगा। मिनिस्ट्री फिर आगे इनको फर्दर इवेल्युएट करेगी, और जो पास होने वाले हैं उनको ग्रांट 25 लाख तक की इस प्रोग्राम के अंदर ग्रांट दी जाएगी। डॉक्टर भूषण, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि एक तो कौन लोग इसमें दिलचस्पी रखेंगे, और उनकी कोई क्या कोई क्वालिफिकेशन देखी जाएगी? जी नहीं, इसके अंदर कोई युवा से लेकर के बुजुर्ग, जो भी इस सेक्टर में योगदान करना चाहता है, कोई भी सोल्यूशन देना चाहता है जो कि फार्मर्स की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सके, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, जिसमें उनकी किसी भी न्यूनतम क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं है। सिर्फ उनकी एक ही क्वालिफिकेशन है कि उनके पास कोई एक नई सोच का सोल्यूशन होना चाहिए। नहीं, अभी तक तो किसान जो है वो परंपरागत खेती करता आ रहा है, और 3 तरह की खेती होती है, जायद, रबी और खरीफ की। लेकिन इसके अलावा भी ये सोचा जा रहा है किस तरीके से या तो बचत करके पैसे बचाए जाए, या जो है इनकम उनकी डबल की जाए। अब ये जो आप उद्योग बनाना चाह रहे हैं, उद्योग ये कृषि को, इसके लिए ये अच्छी पहल है, और ये समर्थ जो है ये क्या चीज़ है? जो ये हमारा समर्थ का प्रोग्राम है, ये प्रैक्टिकली जो हमने 29 इंक्यूबेटर पूरे देश में इस स्कीम के तहत लॉन्च किए हैं, एस्टैब्लिश किए हैं, इनको फंडिंग दी है, बेसिकली ये हमने उनको समर्थ बनाना है, ताकि वो आगे चल करके इन प्रोग्राम्स को, जो इंक्यूबेशन के प्रोग्राम हैं या एग्रीप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के जो 2 प्रोग्राम उनको स्कीम के तहत दिए गए हैं, उनको वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से लॉन्च कर सकें और आगे ले जा सकें, और स्टार्टअप को प्रॉपर तरीके से नर्चरिंग और मेंटरिंग कर सकें। अभी का कहीं कुछ शुरुआत हुई है इसकी? जी जी, इसमें जो इस प्रोग्राम के अंतर्गत 4 नॉलेज पार्टनर भी बनाए गए हैं, जिसमें IRI एक है, दूसरा मैनेज म्याम और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी धारवाड़, और 5वां जो है वो असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो जिसमें से 3 नॉलेज पार्टनर, जैसे IRI, मैनेज और न्याम, ने अपने अपने प्रोग्राम लॉन्च कर दिए हैं। हमारा पहला प्रोग्राम उपजा था, जिसमें 2 महीने का कोहोट हो चुका है, और दूसरा प्रोग्राम अराइज था, जिसमें हमारे सिलेक्शन हो चुके हैं, और कोहोट की शुरुआत 13 मई से होगी। इसी तरीके से हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं, और जैसे ही इलेक्शंस के बाद डिफरेंट इनक्यूबेटर्स के डिफरेंट प्रोग्राम लॉन्च होंगे, उनकी तैयारी चल रही है। ये उसी के असेसमेंट और उनकी फर्दर तैयारी के लिए ही ये प्रोग्राम है, ताकि वो अपनी तैयारी करें और अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को लॉन्च करें। ठीक है, धन्यवाद।